दोस्तों कुछ ऐसे सीरियल किलर्स होते हैं जो कि सिर्फ लोगों को मारते हैं अपनी मस्ती मिटाने के लिए, यानी कि अपने शौक को पूरा करने के लिए सिर्फ लोगों को मारते हैं। उनका यूं तो कोई मोटो होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लोगों को तड़पाना और लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं और आज हम जिन वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मे बी 2022 की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर सीरीज में से गिनी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी। नंबर 9, अनन्यास ट्यूटोरियल। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे लड़की से जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहती है, लेकिन अचानक से ही एक दिन उसके एक लाइव वीडियो में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैद हो जाती है, यानी कि कुछ भूतिया एक्टिविटी उस कैमरा में कैद हो जाती है और उसी दिन से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहती है और वो अपने पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए क्या क्या करती है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है आहा ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। नंबर 8, ऑड भुतोड़े। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं और हर एक कहानी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाई गई है। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि हॉरर थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज यूं तो रिलीज की गई थी 2019 में, लेकिन इसे हिंदी में डब्ड की गई है 2022 में। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं होइचोई पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 7, महाभारत मर्डर्स। दोस्तों आपने यूं तो सीरियल किलर्स के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी और आपको हर एक सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा अनोखा लगा होगा, लेकिन इस सीरीज में जिस सीरियल किलर को दिखाने की कोशिश की गई है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये हर एक मर्डर तो करता है, लेकिन हर एक मर्डर एक्चुअल में महाभारत के हिसाब से करता है, यानी कि महाभारत में जिस तरह लोगों को मारा गया था उसी तरह ये किलर्स लोगों को मारता है और असल में वो किलर ऐसा ही पैटर्न यूज क्यों कर रहा होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो डायरेक्टली देख सकते हैं होइचोई पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 6, रक्त बिलाप। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक रीयूनियन से, यानी कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि बहुत साल बाद अपने एक दोस्त के घर में मिलने वाले होते हैं, लेकिन उस घर में पहुंचते ही अचानक से ही सभी को पता चलता है कि उनके एक एक साथी मारे जा रहे हैं और असल में ये मर्डर्स कौन कर रहा होता है, इवन क्यों कर रहा होता है, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है होइचोई पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 5, इंडियन प्रेडिटर द बुचर ऑफ दिल्ली। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यह कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है चंद्रकांत झा से जो कि एक्चुअल में लगभग 44 मर्डर्स करता है और वो लास्ट तक ये सभी कन्फेस भी कर लेता है, लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि आखिरकार पुलिस चंद्रकांत झा तक कैसे पहुंचती है और उसे किस तरह पकड़ती है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 4, डार्क मिस्ट्रीज, अनजानी कहानियां। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज के लगभग 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड्स में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं और हर एक कहानी एक सच्ची घटना से ली गई है। इन सभी कहानियों पर आप विश्वास करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन सभी घटनाएं पूरी तरह से सच हैं। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं डिस्कवरी प्लस पर और इसे IMDb रेटिंग देती है। नंबर 2, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप कुछ ऐसे साइकोपैथिक किलर्स को देख पाएंगे जो कि समाज के लिए एक बीमारी हैं और इनका इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई साइकोपैथिक किलर जो कि खून पीना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो कोई साइकोपैथिक किलर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। कुछ ऐसे ही साइकोपैथ किलर को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। सीरीज को चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे लॉक्ड सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे मजबूर लोगों से जिन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर के घर में डकैती डालने के बारे में सोचते हैं। वो डॉक्टर के घर पहुंच भी जाते हैं लेकिन वहां पर जाते ही वो डॉक्टर्स के साथ उसी घर में कैद हो जाते हैं और इसी बीच बहुत सारे मर्डर उस घर में हो रहे होते हैं। सीरीज में देखने लाया गया है दोस्तों कि असल में ये मर्डर्स कौन कर रहा होता है, इवन डॉक्टर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है। सीरीज रिलीज तो की गई थी 2020 में लेकिन इसे हिंदी में डब की गई है 2022 में। इसे चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।